हेलो फ्रेंड्स, सोचल किचन में मैं हर्षद आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं गांठ गोभी की सब्जी, इसे लम्स कैबेज करी भी बोलते हैं। थोड़ा सा अपने गोभी जैसा ही इसका टेस्ट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और सेम दिखने में तो अपने गोभी के जैसा ही ये दिखता है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम गांठ गोभी ली है, हाफ टी स्पून जीरा मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 4 चॉप किए हुए प्याज, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना है और 10 से 15 लहसुन की कलियां, एक आलू, एक टोमेटो, 250 ग्राम चना दाल लेना है, इसको भिगो लेना है। 2 घंटों में ये भीग जाती है। 2 टेबलस्पून मैंने खाने का तेल लिया है, अगर आपको थोड़ा ज्यादा पसंद आता है तो आप ज्यादा डाल सकते हो। इसमें जीरा और राई डाल देना है। अब इसमें प्याज मैंने छोड़ दिया है। किसी को प्याज कम पसंद है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकने देना है, फिर उसके बाद में इसमें लहसुन डालने वाली हूँ। मैंने इसको दरदरा कूट लिया है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब प्याज थोड़ा हो चुका है, इसमें लहसुन मैं डाल देती हूँ। ये गोभी की सब्जी थोड़ी जल्दी पक जाती है, पर इस सब्जी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको 20 से 30 मिनट तक पकाना है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छे से पका लेना है। अब मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दी है। टोमेटो प्यूरी ऑप्शनल है। टोमेटो प्यूरी डालते ही इसको कलर आ गया है। अब जो इसके पत्ते हैं ये अच्छे से सब इधर से तोड़ लेना है। मैंने जो इसके पीस किए हैं, अब मैं इसके पीस करने वाली हूँ। वो थोड़े से ज़्यादा मोटे थे, आप थोड़ा इसको पतले पीस भी काट सकते हैं। जो इसका ऊपर का कवर है ये पूरा मैं निकाल लेने वाली हूँ। बहुत हार्ड कवर रहता है इसका, देखो मैंने पूरा कवर सब इधर से निकाल लिया है। अब जो मसाला तैयार हो गया है इसमें मैं चना डालने वाली हूँ, डाल दी है अभी। 10 से 15 मिनट में ये पक जाती है। इसको पकने के लिए छोड़ देना है और फिर मैं इधर इसके पीस बना लेती हूँ। इसके जितने आप छोटे छोटे पीस करोगे जल्दी पक जाएंगे। थोड़ा बहुत हार्ड रहता है ये, इसलिए आप इसके छोटे ही पीस बनाना और थोड़ा ज़्यादा पकने देना इसको। इसमें टेस्ट आने के लिए आप टोमेटो के साथ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। और कड़ी पत्ता भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखो अभी थोड़ा हाफ कुक हो चुकी है ये चना दाल। इसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब गरम मसाला सब डाल दिया है, वो मैंने पार्ट स्किप किया है। इसमें जो मैंने पीसेस किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के आप इसको पकने ही छोड़ देना है।
टेस्ट थोड़ा बढ़ने के लिए आप इसमें ऊपर से गरम मसाला चना डाल सकते हैं। आलू से सब सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, आलू सब बाकी सब सब्जी को एडजस्ट कर लेता है, इसलिए सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें आलू भी डाला है। थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला है और इसको 20 से 30 मिनट तक पका लेना है। जब तक इसके पीस सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इसको पका लेना है। देखो अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने ढक्कन निकाल के एक पीस तोड़ के देखा है सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखो ये तो टूट चुका है, ये सॉफ्ट हो गया है। अपनी सब्जी पक के तैयार हो चुकी है। आलू मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि आलू की सब्जी जल्दी ही पक जाती है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। इसको भी मिक्स हो करके अभी पकने देने वाली हूँ। थोड़ा 10 मिनट तक इसको पकने देना है जब तक अपने आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसमें आप थोड़ा सा नारियल भी भून के उसको बारीक करके इसमें डाल सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। देखो सब्जी तैयार हो चुकी है। फिर से आप रेसिपी ट्राई करके देखिए, बताइए आपकी सब्जी कैसी बनी है। फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपके बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।